सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे। मौजूदा समय में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है। पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि 26 जनवरी को किसान आंदोलन में शामिल कुछ लोगों ने लाल किले की प्राचीर पर खालिस्तानी झंडा फहराया। कई लोगों ने कहा कि लाल किले की प्राचीर पर खालिस्तानी झंडा उदार मना लोकतंत्र पर धब्बा और सरकार के लिए बेहद शर्म की बात। शासन बिना क्रुएल्टी के नहीं चलता साहब। गांव में गोली, किसान का नाम लिए इन खद राजनीतिक लोगों को भी यहां पर कोसा गया। अब आपको बताते हैं कि इस वायरल पोस्ट का सच क्या है। दरअसल इस पोस्ट को सच्चाई से जानने के लिए हमने पोस्ट से जुड़े कीवर्ड्स गूगल पर सर्च किए। सर्च रिजल्ट पर हमें एक वीडियो मिला जिसमें किसान लाल किले पर झंडा फहराते नजर आ रहे हैं। वीडियो में 3 मिनट 35 सेकंड पर देखा जा सकता है कि जिस प्राचीर पर किसानों ने झंडा फहराया था उस प्राचीर पर पहले तिरंगा झंडा नहीं था। वही प्राचीर के नीचे कोई किसान नहीं बल्कि पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में 23 मिनट 58 सेकंड पर एक युवक प्राचीर पर चढ़कर केसरी रंग का खालसा पंथ का झंडा लगा रहा है। वीडियो में 26 मिनट पर प्राचीर पर एक और झंडा लगाया गया। वीडियो को आगे देखने पर पता चलता है कि प्राचीर पर जो दूसरा झंडा लगा है वो पीले रंग का किसान आंदोलन का झंडा। साफ है कि सोशल मीडिया पर किया जा रहा दावा फेक है। किसानों ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा उतार कर खालिस्तानी झंडा नहीं फहराया। हालांकि हम ये नहीं कहते कि किसानों ने कुछ सही कर दिया या कुछ गलत कर दिया। बड़ी बात यह है कि जो हुआ 26 जनवरी 2021 को वो होना नहीं चाहिए था। दिल्ली पुलिस ने जब गाइडलाइंस जारी कर दी थी तो किसानों को अपने मनमानी करने की क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी स्टंटबाजी दिखाने की। और उसके बाद किसान नेता ये कहते हैं कि जो भी उपद्रवी वहां पर आए थे वो उपद्रवी किसी पॉलिटिकल पार्टी से। हालांकि क्या सच है क्या झूठ है ये तो नहीं जानते, लेकिन दिल्ली पुलिस की जिस तरीके से किरकिरी हुई है, दिल्ली पुलिस के जवानों ने जिस तरीके से इन हमलों को झेला है वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं, काफी ज्यादा दर्दनाक हैं। खबरी चौखट की रिपोर्ट।